नील, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विद द जर्नी, काफी कमाल की जर्नी रही है आपकी। अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आपकी जर्नी रही है इविक्शन के बारे में, अगर बताना चाहोगे वाज इट प्रॉपर फॉर यू जिस तरह इविक्शन हुआ उसके बारे में, स्टार्टिंग विद योर जर्नी, टेल अस समथिंग अबाउट। पहली बात तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोग सब आए और मुझसे बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी आपको। एंड मैं आई थिंक उस बात से वाकिफ़ रखूँगा कि यस, मुझे मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। जितना खुश होकर मैं घर के अंदर गया था उतना ही खुश होकर घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो जो होती है, वो हर चीज़ वो अर्न करके निकला हूँ, चाहे वो बिग बॉस की रिस्पेक्ट हो या सलमान सर की रिस्पेक्ट हो या हाउस मेट्स की। जितने भी मेरे दोस्त वहाँ बने, जितने भी लोग थे मेरे, आई थिंक उन सबसे एक अच्छा लगाव रहा एंड अच्छा रिलेशन बना अंदर, और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रिलेशन। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, जो आसपास के लोग होते हैं उनको कैसे परखा जाता है, आई थिंक रिश्तों की अहमियत सीखी, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में कभी सोची नहीं थी कि मैं ये ऐसा भी समझ सकता हूँ लोगों को, ऐसा भी हो सकता है, किसी का बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें देखने मिली। एंड काफ़ी इमोशनल रही, इमोशनल इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल मतलब रोना, इमोशनल मतलब हंसना भी होता है, खुश होना होता है। तो आई थिंक फुल वेल ओवर पैकेज था मेरे लिए पूरे ये जर्नी, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। रही बात इविक्शन की, तो मेरे लिए एक जो फॉर्मेट है, ये शो का फॉर्मेट है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो अगर जिस तरह से बिग बॉस ने बताया कि ये इविक्शन डबल इविक्शन के बेसिस पर किया जा रहा है, वोट्स के बेसिस पर किया जा रहा है, ओके ठीक है, दैट्स द वे इट इज़, इट इज़। क्योंकि तब तक एक ही एविक्शन था, फिर दूसरा हुआ, तो ये हमें पता है कि होते रहता है ये सब चीज़ें, तो या आई वाज प्रीटी ओके विद इट, बिग बॉस ने बोल दिया, हो गया। बात करें, आपने कल का एपिसोड भी देखा होगा कि आपको फिर से याद किया जा रहा था घर पे, विकी ने याद किया कल। नहीं, मैंने एपिसोड नहीं देखा। कल के एपिसोड पे आपको याद किया, आपका नाम भी जिक्र हुआ था। ओके, क्या लगता है कि आपने देखा नहीं जैसा आपने बताया, क्या लगता है कि कौन है अभी घर पे आपको मिस कर रहा है उस घर पे? मुझे लग रहा है अभिषेक सबसे ज़्यादा मिस कर रहा होगा। दूसरों का मुझे इतना नहीं पता कि कितना जेन्यूनली मिस कर रहे होंगे। एक होता है जस्ट टू टॉक अबाउट इट, तो अभिषेक मुझे लग रहा है जेन्यूनली मिस कर रहा होगा। यस, एंड ऐश्वर्या के बाद, ऐश्वर्या जी के बाद आपको किस तरह से, क्या आपको लग रहा था कि अब मुझे जाना चाहिए घर पे या फिर कंटिन्यू करना चाहिए जर्नी को एज अ सोलो प्लेयर? ऑफ कोर्स सोलो प्लेयर, हमने हमेशा यही सोचा हुआ था कि जा साथ में रहे, लेकिन रहेंगे जिस तरह से अगर सिचुएशन बनती रही, जैसे अलग अलग कमरे में रहना पड़ा या अलग अलग खेलना पड़ा, तो दैट इज़ ऑल ओके, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ द होल शो। जब बात भी हुई थी, यही बात हुई थी कि आप इंडिविजुअली भी सोच लीजिए और आप साथ में भी सोच लीजिए। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि हाँ, इफ़ एट ऑल किसी दिन ऐसा होता है हम में से कोई पहला चला गया, जो जैसा हुआ, इट इज़ नॉट गोना हैम्पर द वे वी थिंक अबाउट द शो। सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस क्या था आपके, कोई ऐसी चीज़ जो इस घर से सबसे बड़ी चीज़ जो लर्न की हो? मैं एक बार रिंकू जी ने मुझसे पूछा था कि तेरी सबसे बड़ी खामी क्या है, मैंने बोला मैं बहुत ट्रस्टिंग हूँ, मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भरोसा करना बंद कर रहा हूँ, लेकिन किस पे भरोसा करना है वो परखना समझ गया हूँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। हमने शुरुआत में देखा जिस तरह आपकी दोस्ती थी, विकी, अंकिता, ऐश्वर्या, आप दोनों की जो दोस्ती थी, आपने मुझे एक बात अभी भी याद है कि कहा था कि जिस तरह दोस्ती ऐश्वर्या और विकी की है, उस तरह दोस्ती आपकी और अंकिता जी की नहीं है, मतलब फन लविंग दोस्ती जो बोलते हैं। जी जी। तो उस दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की दोस्ती थी आप चारों की, शुरुआत चारों से? जैसे हम मिले थे एक रियलिटी शो में, स्टार प्लस का एक रियलिटी शो था, तो उसमें हम लोग स्मार्ट जोड़ी करके शो उसमें मिले थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। एंड क्योंकि एक प्लेटफॉर्म था, कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म था, तो कंपटीशन भी था, लेकिन वो हेल्दी, बहुत ही हेल्दी जोन में वो शो था, एंड वहाँ बहुत मज़े किए। आफ्टर द शूट एंड इन बिटवीन शूट्स विकी और मैं बहुत बॉन्ड करते थे, वी यूज़ टू टॉक ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे कि मतलब ही यूज़ टू सी द वे वी आर, एंड उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे एज अ मैन टू मैन, एज अ हस्बैंड टू हस्बैंड मुझसे पूछता था कि भाई कैसे यार, हाउ डू आई बी लाइक यू, मैं हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू एंड हाउ डू बी अ हस्बैंड लाइक यू। एंड देन वो रिलेशनशिप्स की बात करना, शादी की बात करना, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें बहुत हमने डिस्कशन किए। पर इमेजिन कीजिए, तीन जो भी दो तीन महीने का जो शो रहता है उसमें हर हफ्ते हम मिलते थे, बाद में कभी उनके घर पे पार्टी होती थी तो हम उस पर भी जाते थे, वहाँ भी बात होती थी,
भले ही लाइट लेवल पे बात होती थी लेकिन होती थी. तो मेरी और विकी की दोस्ती वैसी रही है. फिर विकी और ऐश्वर्या की हमेशा एक कैजुअल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप रही है, जहाँ एक दूसरे की खिंचाई मस्ती होती रहती थी पहले से ही. इस शो में भी हुआ, उस शो में भी हुआ, और हम जब सोशल सेटअप में मिलते थे तब भी हुआ. अब रही बात मेरी और अंकिता की, तो हम लोग दोनों ने हमेशा ये जाना है कि उसने जाना है कि मैं जहाँ वो पवित्र रिश्ता करती थी, मैं वहाँ 12/24 करोड़ बाग कर रहा था. तो एट द सेम टाइम एक तरह से मैं एक दो साल पहले आया हूँ अंकिता के, तो एक सेम सिमिलर टाइम जोन से हम आए हुए हैं जब से हम काम कर रहे हैं. तो उसको एक हम दोनों के पास एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरों की, कि देख तूने भी यहाँ से शुरुआत की, मैंने भी शुरुआत की है, तूने जो काम किया मैंने भी काम किया. तो इट्स लाइक एन इक्वल थिंग, वी ऑलवेज हैड एन इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट अबाउट दैट. रही बात ऐश्वर्या और अंकिता की, तो हमेशा उन दोनों ने इवन इन स्मार्ट जोड़ी कहा था कि एक दूसरे को यार बड़े सिमिलर लगते हैं हम एक दूसरे को यार. इसीलिए अंकिता ने वहाँ पर बिग बॉस के घर में भी शुरुआत में एक बहुत ही छोटा सा एक वाक्या हुआ था, जहाँ पर सोनिया किसी चीज़ को लेकर नाराज थी, ऐश्वर्या समझा रही थी, अंकिता जंप्ड इन, ऐश्वर्या ने बोला एक सेकंड रुकना, और उसने बोला नहीं तू मुझे ऐसे नहीं रोक सकती. वहाँ पर एक ऐसी कोई एक झड़प हो गई थी. एंड इस चीज़ को बाद में अंकिता ने एड्रेस किया अगले दिन. उसने बोला कि नील ऐश्वर्या कोई प्रॉब्लम है मुझसे, और उसने बहुत अग्रेसिवली वो पूछा. मैंने बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही है, शांति से बात कर. उसने बोला नहीं मुझे पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है मुझसे क्या. मैंने बोला एक सेकंड. मैंने ऐश्वर्या को बोला ऐश्वर्या इधर बच्चे कुछ पूछ रही है, शी हैज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, व्हाट प्रॉब्लम विल आई हैव नो प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम. तो उसने बोला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अंकिता, लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा ऑड लगा मुझे कल रात को, जिस तरह से आपने मुझे वो रोका. उसे बोला नहीं ऐश्वर्या मुझे लग रहा है कि तूने बहुत रूडली बिहेव किया. और एक बात बताती हूँ ऐश्वर्या, मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि ना तू और मैं बहुत सेम है, तो मैंने हमेशा तुझे एक वन हैंड डिस्टेंस पर रखा था, मुझे लगता था कभी ना कभी हमारा झगड़ा हो जाएगा. तो ऐश्वर्या ने यही बोला कि तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, आपने हमें दूर रखा है, हमने आपको दूर नहीं रखा है. सो ये चीज़ तभी ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वहाँ ईशा भी थी, नवीद था, तहलका था, हम सब ने, मैं भी खड़ा था वहाँ पर, बात हो रही थी. तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन दैट दे हैव शेयर्ड पहले से, कि एक दूसरे को ऐसा लगता था कि एक दूसरे जैसे हैं, वो वेरी सिमिलर पर्सनैलिटीज, वैसे वो बोलती थी. तभी जब ये जो जिक्र हुआ कि मेरी इस तरह की दोस्ती नहीं, उसके बाद से पूरा डाउनफॉल आया, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत की दोस्ती थी, जब आपने ये जिक्र किया कि हमारी दोस्ती इस तरह की दोस्ती नहीं है जिस तरह विक्की और उनकी है, उसके बाद से पूरी तरह डाउनफॉल ऐसा आपको लगा? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. सी जहाँ तक मुझे पता चला, अंदर घर में रहते रहते और अभी बाहर आकर भी कुछ चीज़ें पता चली है, बिना हमारे कोई प्रोवोकेशन के उन लोगों ने हमारे पीठ के पीछे बात करना शुरू कर दिया था, वो भी नॉट अ वेरी गुड लाइट. और शादी का मजाक उड़ाना, किसी कपल का मजाक उड़ाना, किसी क्योंकि तुम्हारा रिश्ता वैसा नहीं है तो दूसरों के साथ दूसरों के रिश्ते पर टिप्पणियाँ देना, एंड नॉट इन अ गुड हेल्दी सेंस. आप टिप्पणी दे सकते हो लेकिन इन अ हेल्दी सेंस हो तो बराबर है, समझ सकता हूँ. लेकिन उनका कभी भी हेल्दी सेंस में था नहीं, जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं. और वहाँ रहते रहते भी मुझे यही चीज़ों को मैंने भांपा और इसको एड्रेस करने की कोशिश की इन अ फ्रेंडली जोन. जो मैं जानता हूँ विकी को, मैं उतना विकी को जानता हूँ कि मैं अगर उससे बात करूँ तो सुलझे हुए तरीके से बात को मैं सॉल्व कर सकता हूँ. और मैंने वही करने की कोशिश की थी जब उसने वापस से ऐश्वर्या को पोक किया और ये कहते हुए कि इस घर में दो पीड़ित हैं ऐसे. तो हमेशा अगर आप अपने आप को पीड़ित मानते हो तो आपने शादी क्यों की, मेरा सवाल इतना ही था और ऐश्वर्या का भी सवाल इतना ही था कि आपने शादी क्यों की. अगर इतना आपने आपको पीड़ित बताते हो, हस्बैंड कम्युनिटी करते रहते हो, सो आई थिंक इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग टू टॉक अबाउट योर मैरिज इन दिस लाइट. कई बार अंकिता ने आई गेस मैं अगर काउंट करूँ तो फोर्थ या फिफ्थ टाइम पाँच बार ऐसी बात होती है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया घर के अंदर. तो काफ़ी लोग का मिक्स रिएक्शन है कि हाँ ठीक है कर दिया, काफ़ी लोग का रिएक्शन है कि टीआरपी के लिए कर रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अगर मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने करे तो मैं उसको एक रिएक्शन दूँ. मेरे सामने कभी उन्होंने बात नहीं की इस चीज़ के बारे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सामने हो. कहीं सुनी पे जाना बहुत बहुत गलत है. और एक घंटे के एपिसोड में कहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट लेकर आए हैं, कहाँ से वो रखा है, मुझे नहीं पता है. सो आई हैव नॉट सीन इट, नीदर हैव आई सीन द फुटेज, ना तो मेरे उसने सामने मेरे बात की है. सो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट. शुरुआत में अभिषेक से भी कंपेयर किया था सुशांत को, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? अभिषेक से कंपेयर किया था इन व्हाट सेंस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? लाइक आपकी याद आती है सुशांत की, बट सुशांत इस तरह के एग्रेसिव नहीं थे जिस तरह के आपको लाइक थोड़े उसने एग्रेसिव मतलब अंकिता ने अभिषेक को कहा अभिषेक को कंपेयर किया था.
अगेन मेरे सामने नहीं कहा, ना ही अभिषेक ने मुझसे इस बात का जिक्र किया, ना अंकिता ने मुझसे इस बात का जिक्र किया. सो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस. एंड जब आप घर पे थे, जिस तरह पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आयशा के आने के बाद कई हद तक एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि मनारा और मुनावर की दोस्ती में भी काफी कुछ आया. उसके बाद जिस तरह मुनावर और मनारा दूर हुए, आयशा आई, एंड जो हुआ वीकेंड के वार में आयशा आयशा को कुछ हुआ, फिर डॉक्टर्स भी आए, आप इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि हाँ, आपका सही कहना है कि आयशा के आने के बाद ही, बट ज़्यादा उनमें दूरियां बढ़ी, लेकिन दूरियां पहले से बढ़ना शुरू हो चुकी थी. मैं कहूँगा एक दो हफ्ते पहले से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी. जो चीज़ की बात मैंने और मनारा ने भी की थी कि मैं और मुनव्वर अब बैठते नहीं हैं, अब इतनी बातें नहीं होती, मतलब दिन में एक आध बार बात हो गई तो भी 5-7 मिनट बात हुई, कैसा है तू, ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ, तू ठीक है, इतना एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बात हो के वो ख़त्म होती थी. तो उसने बोला पहले से ही हमारा ये हो रहा है, बट आयशा के आने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है, एंड समहाउ शी वॉज बींग मोर अफेक्टेड मनारा. तो हम उससे ये भी पूछते थे कि तुझे क्यों इतना अफेक्ट हो रहा है, ये इनकी निजी प्रॉब्लम है, तुझे क्यों इतना अफेक्ट हो रहा है, यही सवाल पूछा था. एंड कहीं ना कहीं मैंने भावना शुरू कर दिया था कि मनारा को शायद कोई अनडिस्क्लोज्ड फीलिंग्स है, जो उसे खुद नहीं, अनरियलाइज्ड फीलिंग्स जैसे बोलते हैं, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में. और ये मैंने उसे पूछा भी था कि तेरे दो दोस्त है, तो बोलती है दो राइडर, दो बेस्ट फ्रेंड्स है, एक राइडर है और एक मुनव्वर है, लेकिन राइडर के साथ तेरी दोस्ती कैसे क्लियर है, लेकिन मुनव्वर के साथ आते ही तेरा क्यों पता नहीं कुछ एक अजीब सा जोन चला जाता है, यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो आई फील यू हैव सम अनरियलाइज्ड फीलिंग्स, उसने बोला, तभी नकार दिया था ऐसा कुछ नहीं है, पर जब सलमान सर ने पूछा तब उसने हाँ बोल दिया. सलमान सर ने बोला कि इफ़ यू लाइक हिम यू लाइक हिम, सो शी लाइक या आई लाइक हिम. सो देन आई वाज लाइक, जब मैंने पूछा तब क्यों नहीं तूने ऐसे जवाब दिया. सो बट एनी वे वो एटलीस्ट उसको क्लैरिटी मिले, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. बट किस कहीं हद तक ऐसा भी था कि जिस तरह आयशा की एंट्री हुई, एक एग्रेसिव वे में एंट्री हुई, लोगों को लगा कि काफ़ी सारी राज जो मुनावर के साथ है वो खुलेगी, बट हम देखे फिर वो डाउन हो गई. मुनावर के साथ उनका दोस्ती अच्छा हो गया, काफ़ी सारे बात हम लोग शेयर करते, फिर अब ये जो वीकेंड के बाद उसके बाद से फिर से ऑन टॉप जो है उस तरह का, क्या आपको ऐसा लगता है कि किस तरह की गेम है आयशा की? मुझे जिस तरह से समझ में आया, पहले जब आई थी तब मुझे भी यही लगा कि शी माइट कम आउट. मैंने ऐश्वर्या को बोला दिस इज़ वॉट 10th week वाइल्ड कार्ड शुड लुक लाइक. तो जिस तरह से आई, बातचीत कर रही थी एंड एवरीथिंग, सबको एक एक वन लाइनर्स में जवाब दे रही थी, बट येस जब जैसे ही उसने जिस चीज़ के लिए वो आई थी, वो शी वॉन्टेड अ सॉरी एंड शी वॉन्टेड कि मुनव्वर की लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जो उसने उसके साथ की है, तो शी वो उसको वो सुधार देखना चाहती थी मुनव्वर की लाइफ में. तो कहीं ना कहीं वो मुनव्वर जैसे ही आते ही उसने माफ़ी मांगी, और उसका जो लिहाज था और जिस तरह से वो लहजा था बात करने का उसके साथ, आई थिंक उसने बहुत खूबसूरती के साथ उसको संभाला है, एंड रिस्पेक्टफुली आयशा से उसने बात की. बट जब दो हफ्ते बाद जाकर जब सलमान सर ने एक तरह से उनका एक पर्सपेक्टिव पेश किया कि हमें बाहर से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किस तरह से आयशा ने आपसे खाली एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करने की कोशिश की. उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया कि मुनव्वर आपने कभी इस बारे में सोचा कि आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते और उसके बीच में अगर कोई एक लड़की आके, सपोज़ आपकी कोई एक आके आपसे बात कर दी ऑन स्टेज एट दैट टाइम, व्हाट वुड यू डू? यू वुड से ओके फाइन, यस वी कैन टॉक अबाउट इट, कांट यू वेट फॉर 20 मिनट्स, हम बात करते इसके बाद, यही करते. तो सेम बात थी, अगर आप उसको इतना नहीं बोल सकते थे, कुडंट यू वेट? तो आई फील शी कुड हैव वेटेड. उनका यहाँ आने का मोटिव जितना और जान पाता उससे पहले मैं घर से बाहर आ गया, तो मुझे ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला, और मैं फिलहाल अभी एपिसोड्स देख नहीं पा रहा हूँ. सो आई कॉन्ट रियली कॉमेंट कि किस तरह की गेम है, क्या वो जेन्यून था नहीं था, वो परखना और थोड़ा वक्त चाहिए होता, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो मुनव्वर के साथ थी, हमारे साथ नहीं. नील, कई हद तक ऐसा नहीं लगता कि समर्थ का कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है? अगर हम इस बार की नॉमिनेशन की बात करें, जिस तरह ईशा और अभिषेक के बीच में झगड़ा हुआ, हम देख रहे हैं समर्थ आके प्रोवोक कर रहे हैं अभिषेक को, कई बार उन्होंने किया भी है, जब आप घर पे भी थे बीच में आ जाते, कोई भी ईशा से लड़े तो बीच में आ जाते, वो उनका कुछ अलग ही टेक रहता है. आपको नहीं लगता कि उनका इंडिविजुअल गेम नहीं है, वो आए हैं ईशा के लिए और ईशा के साथ ही खेलेंगे, अपना कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, क्या आपको लगता है ऐसा भी? आप उस इंसान से वो सवाल पूछ रहे हो जिसने यही सेम चीज़ पॉइंट आउट किए नॉमिनेशन में. वो मेंढक वाला जो नॉमिनेशन था जिसमें गिल्ट फ्री नॉमिनेशंस थे, उसमें यही चीज़, मैं 3 बार गया था और मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि आपकी इंडिविजुअल गेम दिख नहीं रही है,
बिकॉज प्रॉब्लम वॉज जब आप आए तो आप किसी एक वजह से आए थे, आप ईशा के वजह से आए थे, विच इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग कि अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाने के लिए वो आया था और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आया था, जिसमें जिस तरह से उसको लग रहा था कि उसका और अभिषेक का जिस तरह से चल रहा था, ही केम इन एंड गेव द क्लैरिटी कि दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, विच आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, और मैंने आज भी मैं नहीं बोलता हूँ और मैंने तब भी बोला था शो में, इट्स अ वेरी नोबल थिंग दैट यू डन। और उसके बाद एक वजूद वाली चीज़ हुई थी उसमें कि उसका वजूद सिर्फ ईशा की वजह से रह गया, फिर कहीं ना कहीं उसने अपना एक स्टैंड बनाने की कोशिश की, उसके एंटरटेनमेंट मस्ती करते हुए लोगों को पसंद आने लगा, बट अदर देन दैट वो बस उधर ही रह गया। फिर वापस विकी के साथ एक प्रॉब्लम हुई जहाँ पर विकी ने बोला कि मेरी बीवी को मैं बोल सकता हूँ खड़ा हो तो बैठ तो बैठ, पर तू अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, किस तरह का बॉयफ्रेंड है, ये चीज़ उसने बोली, तो इस मुद्दे को लेकर उसने झगड़ा किया, फिर वापस वो ठंडा हो गया, उसी विकी के साथ वापस मिल गया। तब मैंने उसे एक चीज़ पूछी भी थी कि भाई वेयर इज़ योर स्टैंड, इट्स नॉट दैट कि तू झगड़ा कर उसके साथ, बट बी क्लियर, आर यू ओके विथ हिम टॉकिंग लाइक दिस अबाउट योर रिलेशन, इफ यू आर ओके मैं देख रहा हूँ तेरा क्या स्टैंड रह गया है अभी घर में, किस जिस मुद्दे को लेकर तो आया था इस घर में, अभी वो स्टैंड रहा नहीं है। एंड लेटर ऑन जैसे ही मैंने ये बात की थी तो उसके बाद उसने वापस से झगड़े करने शुरू कर दिए थे, और सिर्फ एक इंसान के साथ, अभिषेक के साथ, क्योंकि अभिषेक अगर ईशा के साथ कोई भी अगर लड़ाई कर रहा है या उनका आर्ग्यूमेंट भी नॉर्मल लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो बीच में आके कोई ना कोई चीज़ बोल के जाएगा, आते चलते फिरते कुछ ना कुछ बोलेगा, इस हद तक अभी उसका प्रोवोकेशन जा चुका है जहाँ तक उसको अभी ना दे आर पुशिंग हिम टू द कॉर्नर राइट नाउ अभिषेक को जानबूझ के, ताकि वो ऐसी कोई हरकत करे ताकि वो ऑन रूल फॉर्मेट वो बाहर निकल हो जाए, बाहर चला जाए। बट आई फील दिस इज़ वेरी रॉन्ग, जिस तरह से किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर दो, इतना उसको वो कर दो कि वो इंसान इस तरह से रिएक्ट करे, आप जान मुझे रिएक्शन लाना चाह रहे बाहर, और मैं अभिषेक को यही समझाता था कि डोंट रिएक्ट। नील, एक वाक्य हुआ था जब आप उस कमरे में मौजूद नहीं थे, जो बाहर काफी चर्चा हुई उसके बारे में, जो स्लैप मूव था विकी का, और जी जी जी, जी मुझे पता चला इसके बारे में, आपको बाद में पता चला, जी काफी सारी बातें हुई, आप अगर कुछ डिटेल में बताना चाहो किस तरह से घर का माहौल क्या था उस दौरान, जो पहला 2-3 घंटा था, क्योंकि कोई लोग काफी अलग वे में भी रिएक्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली काफी सारे लोग विकी की बातों में आ जाते हैं, तो वो एक अलग, आपको तो पता ही फेक नैरेटिव स्प्रेड करने में वो माहिर है घर में, पर कुछ लोग हैं जो संभल गए हैं और अभी जानते हैं उसकी असलियत, तो और स्पेशली जब 2-3 जन ने देखा, उसमें से एक ने बैकआउट किया, अनुराग ने बैकआउट किया, अरुण और अभिषेक बोल रहे हैं कि यस ऐसी चीज़ उसने की थी, हालांकि मैंने देखा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता, मैंने वो फुटेज देखी and I felt that yes it was a very aggressive move and I don't condone such behavior with anyone, aap patni to chhod hi do, main kisi ke sath bhi ye behavior condone nahi karta, main kisi ko aise haath dikhaun kuch karu, that means my intention is to hit you, aur wo nahi sahi hai, to I feel us waqt ghar mein aisa kuch mahol aisa nahi tha ke, kyunki hum log I think blinds down the aur hum log apne apne kamre mein the, main mujhe pata nahi tha ki ye cheez hui thi, एंड मैं जब बाहर आया तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ, तो किसी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, पर धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड एवरीबडी आफ्टर हियरिंग इट मैं क्या बात कर रहा है ऐसा रिएक्शन ये था, और उसके बाद शायद विकी से बात की होगी तो उसने उस चीज़ को डिफ्यूज़ किया होगा, पर जिसको पता है उसको पता है, और ऑडियंस को भी पता है, उन्होंने देखी है वो चीज़, आप मीडिया वाले हैं, सबको आपको पता है कि क्या देखा है आपने, so I don't need to say anything more, I don't condone such behavior, that's all I can say. yes, do aakhri sawal, ek sawal mera ye hai ki kya aapko lagta hai Munawar sabse zyada well prepared, kyunki unhone is tarah ka show already jeeta hai aur unki jo homework kehte hai kaafi acha hai, aapko lagta hai? nahi, mujhe nahi lagta, shuruaat mein lagta tha, in the beginning, very beginning, but at the same time I will still say that he is one of the most smartest people inside. Right. उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, परखने का पावर है, बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करता है, बट दैट्स नॉट टू से कि वो बहुत सबसे वेल प्रिपेयर्ड था, क्योंकि ये मेरी रिंकू जी से भी बात हुई थी, और ये आई थिंक 10वें हफ्ते में ही मेरी बात हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ मैंने उनसे कहा था कि अगर जो मेरी समझ है, क्योंकि गेम की बात बहुत सुनने में आती है शो में, हम अंदर जब थे ना, अरे क्या गेम है, क्या वीक गेम है, क्या स्ट्रॉन्ग गेम है, बहुत सुनने में आता था ये सब, तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा था कि गेम है क्या, व्हाट डू, हाउ डू यू डिफाइन गेम, ये जस्ट कहीं सुनी पे नहीं जाना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है कि वो गेम बोल रहा था, मैं भी गेम की तरह बात करूँ, व्हाट द हेल इज़ अ गेम इन दिस, व्हाट इज़ अ गेम,
तो जवाब नहीं था किसी के पास. मैंने मैंने रिंकू जी से पूछा था, मैंने अनुराग से पूछा ऑन अ वन ऑन वन लेवल, मैंने ऐश्वर्या से पूछा था, किसी के पास इस चीज़ का एक्चुअल आंसर नहीं था. तो आई सेड आई विल टेल यू व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ द गेम. गेम इज ये रिश्ते, क्योंकि हर बार बिग बॉस ने एक ही चीज़ बोली है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई गेम है, ये रिश्ते हैं, ये रिश्तों का घर है, रिश्तों की कुछ अहमियत होती है, कोई इम्पोर्टेंस होता है उसका. तो वो दैट दोज वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन माई हेड कि ये रिश्ते हैं जो जो रियल ऑर्गेनिक रिश्ते बने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका देखा जाता है कि गेम क्या है. तो इसमें उल्टा कौन चला, विकी, उसने एक नंबर बनाया कि ये इतने नंबर के लोग मुझे चाहिए ताकि मेरा नॉमिनेशन ना आए, पर उसने रिश्ते नहीं बनाए उसमें, इसलिए बार बार वो नंबर लिस्ट चेंज होती थी. यहाँ पर मैंने जेन्यून रिश्ते बनाए, अपने आप से वो नंबर बनता है, क्योंकि जब आप रिश्ते बनाते हो तो आपका आदमी आपको कभी वोट आउट नहीं करता है या नॉमिनेट नहीं करता है. एंड दैट्स अ ऑर्गेनिक रिलेशन. टुडे व्हाट अभिषेक एंड आई शेयर, रिंकू जी एंड आई शेयर, जिग्ना जी एंड आई शेयर, नावेद एंड आई शेयर, इट इज ऑर्गेनिक रिलेशन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से टॉप थ्री कौन है, बिकॉज ये शो का फॉर्मेट ऐसा है ना, जैसे मैंने अगर टॉप थ्री के नाम ले लिया और डबल एविक्शन में दो निकल गए तो बाद में इट डजेंट मेक सेंस. बहुत अभी भी थोड़ा जल्दी है बोलना टॉप थ्री कौन है. थैंक यू सो मच नील. एंड एक बात मैंने जो पर्सनल लेवल पे सीखी है आपसे, आपकी जो जर्नी देखिए, कई बार ऐश्वर्या जी एग्रेसिव हो जाते थे बट आप उस पॉइंट पे काफी काम रहते थे, तो सीखने जैसा काफी कुछ था. तो ये गलत है, ये गलत है कि वो अग्रेसिव हो जाती थी. ऐसा नहीं, मतलब कई बार जैसा झगड़ा होता था. आई टेल यू समथिंग, एक घंटे के एपिसोड में क्या दिखाया जाता है, कितनी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, आपको शायद नहीं पता होगा. आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, आप इतने सालों से देख रहे हैं शो. मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो पहली बार उस शो का हिस्सा बना हूँ, अंदर से देख रहा हूँ. तो आई नो कि कहीं भी जब भी उसका कोई रिएक्शन दिखाए ना, उसके पीछे एक रीज़न था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट था, किसी की पोकिंग थी. आज आप अभिषेक को देख रहे हो इतना अग्रेसिव हो रहा है, तो क्या रीज़न है, आपने क्या एक रीज़न दिया ना उस चीज़ का कि चिंटू उसको पोक कर रहा है. अगर आपको पोकिंग दिखाया ही ना जाए और किसी का अग्रेशन दिखाया जाए तो आप बोलोगे अरे क्यों फालतू में अग्रेसिव हो रहा है. तो बात यह है, उसको कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए 24 वो जो लाइव जो चलता है वो देखना ज़रूरी है. और उसमें भी कई बार दिखाया नहीं दिखाया, ये मेरी जो मैंने बाहर आके एक चीज़ देखी ना, और इसके पहले तो ये हुआ था, दिखाया नहीं, नहीं हम लोगों ने नहीं देखा, ये सब दिखाया ही नहीं था. सो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट ऐश्वर्याज फॉल्ट, इट्स जस्ट द वे इट वॉज, जिस तरह से रिले हुआ है वो चीज़ को. तो ये बहुत गलत चीज़ है कि वो अग्रेसिव है, और मैंने शांति से उसको समझाया या संभाला. ये बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं अग्रेसिव हुआ हूँ उसने मुझे संभाला है, जहाँ जहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसने मुझे संभाला है. जितनी रिस्पेक्ट उसने मुझे दी है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया है लाइफ में. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.